अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है दोस्तों आपके? दोस्तों आज हम टीपी लिंक TLMR3040 3G 4G वायरलेस राउटर का एक रिव्यू दे रहे हैं। ये एक बड़ी प्यारी डिवाइस है, पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ। बहुत ही छोटी है, सच आप देख ही रहे होंगे कि जो इसका साइज है एक सेल फोन के बराबर इसका साइज बनता है। और टीपी लिंक की है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, 4000 से 4200 के दरमियान ये मिलती है। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि दो पोर्ट्स हैं। वैन के थ्रू भी आप इससे इंटरनेट ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, और दूसरी पोर्ट आप यूएसबी नजर आ रही होगी जिसके थ्रू आप अपना यूएसबी के थ्रू इंटरनेट जो है वो आप इनपुट लेके और उसे वाईफाई बना के आप कोई 5-6 यूजर जो है वो उसको इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में इससे ज्यादा की इसमें गुंजाइश है, वो हम उसको डिटेल में चेक करेंगे। इसी क्वालिटी है कि बैटरी के साथ आया है, या देख रहे होंगे टीपी लिंक ही की बैटरी है। ये आम जो नोकिया फोन है उससे थोड़ी सी बड़ी है, ये मैंने चेक किया था। बाकी डिटेल्स वगैरह आपको नजर आ रही होगी इसके ऊपर। खैर, और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कवर है पैक का, जो कि यहाँ देख भी रहे होंगे कि यहाँ इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और पाकिस्तान में इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह ये PTCL की USB है, या फिर किसी और कंपनी की USB हो, आप 3G USB है, पाकिस्तान में तो इस वक्त यूज नहीं हो सकती, लेकिन खैर, तो हम किसी भी किस्म की USB के थ्रू जो है वो इंटरनेट इनपुट लेके और इसके थ्रू हम उसको राउटर बना के वाईफाई के थ्रू मुख्तलिफ सिस्टम से चला सकते हैं। और दूसरी क्वालिटी ये हो गई है क्योंकि इसमें बैटरी यूज होती है, तो बैटरी की वजह से फिर इसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। अराउंड कोई 4 घंटे इसकी बैटरी बैकअप है, कभी कभार उससे ज्यादा भी मिल जाता है डिपेंड ऑन यूज। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे कि ये क्या बड़ा है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे, इसको लॉग इन करेंगे, इसकी वेब लिंक पे जाएंगे और इसको देखेंगे। ये इस तरह बंद हो गया, इसी के साथ ये देख लीजिए ऑन ऑफ का एक बटन है, ये मिनी यूएसबी का। इसमें इसी इस पोर्ट के थ्रू आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं और मतलब डायरेक्ट इससे आप बिजली ले भी सकते हैं, और थ्रू लैपटॉप भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये दोनों काम करती है। इसकी ये आप केबल ही देख लीजिए, ये इसके साथ केबल आती है, और ये इसकी ये जैक है जो कि वहां लगता है। तो हम अभी देखते हैं कैसे काम करती है। इसमें अभी टर्न ऑन करने लगा हूँ, देखिए ये इसकी लाइट ऑन हो गई है। चंद सेकेंड लेता है बूट अप होने में, और उसके बाद ये जो यहाँ डिफरेंट साइंस हैं यहाँ से पता चलता है कि इसका वाईफाई ऑन हो गया है, नहीं हुआ। और जो इंटरनेट है, जब भी यूएसबी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है इस पे, तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ एक साइन है, ये ऑन हो जाता है। ये देख लीजिए लाइट आ गई, इसका मतलब है कि इसने ये वाईफाई बन चुका है। अभी हम सिस्टम पे जाके देखते हैं कि वहाँ क्या पोजिशन है, वहाँ क्या ये नजर आ रही है। तो ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये टीपी लिंक कनेक्टेड का मैसेज आ गया। अभी हम इसका वेब पे जाके इसकी यूआरएल में हम जाएंगे और इसको कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि अगर हम पाकिस्तान में यूज़ करें तो तरीकेकार क्या है। आम स्टैंडर्ड किसी भी राउटर में जाने की कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। आमतौर पे जो हम आईपी यूज़ करते हैं इनमें लॉगिन होने के लिए, वो 192.168 आमतौर पे 1.1 होती है, लेकिन इसकी 0.1 है, 0 and 1 8। इसने यूजर पासवर्ड पूछ लिया। आमतौर पे जो बाय डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड होते हैं वो एडमिन एडमिन होता है। हमने इसमें लॉग इन कर दिया। और ये देख लीजिए, ये सा इंटरफेस है और ये ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा जी, तो वैसे तो इसको क्विक सेटअप के थ्रू भी कर सकते हैं और मैनुअली भी किया जा सकता है इसको, जिसका भी हम जा रहे हैं। हमने नेटवर्क पे क्लिक किया और यहाँ इसने दिखा दिया कि ये 3G 4G डिकम्बल। इसमें एक और चीज़ ये बताता चलूँ कि आप एक वक्त में अगर आपके पास 3G भी है और वैन कनेक्शन भी है आपके पास, तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ के ऑप्शन देख रहे होंगे, 3G 4G रिकमेंड, 3G 4G प्रिफर्ड एंड वैन प्रिफर्ड। तो जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आप यहाँ से सेट करेंगे। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये आप देख लीजिए, यहाँ हमने 3G पे क्लिक किया है। अगर हम PTCL को यूज करते हैं तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ 3G पे आपने क्लिक करना है। ऐसा कोई और लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कंट्रीज की लिस्ट आ रही है यूएसए वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसके अंदर अफसोस के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं है। अलग बात है कि टीपी लिंक दबा के बेच रहे अपनी प्रोडक्ट, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं है। इस चीज को देखते हुए मुझे अफसोस ये हुआ कि जो हमारे इंपोर्टर हजरात हैं जो इंपोर्ट करते हैं इस किस्म की डिवाइस को, उनमें इतनी अकल नहीं है कि वो कम से कम उन्हें बता सकें कि आपको हम करोड़ों का बिजनेस देते हैं, तो कम से कम हमारी कंट्री को गाइड करो यार उसने। है एडवांस सेटिंग आना होगा हमें दोस्तों,
और यहाँ आप देख रहे होंगे इसके एडवांसिंग के अंदर आपने डाइल, ये मैनुअली आपको डालना होगा, हैश 777 एपीएन को आप रखेंगे खाली। एपीएन हमें कब यूज कर रहे हैं, जब हम किसी मोबाइल सिम के थ्रू कनेक्टिविटी, यानी कोई हमारे पास ऐसी यूएसबी है जिसमें मोबाइल की, जिस तरह व्यू फोन वाले ऑफर कर रहे हैं और टेलीनॉर के पास भी है शायद, बारिद, हाँ बारिद भी ऑफर कर रहा था। इस किस्म की अगर डिवाइसेस आप आपके पास हैं और आप अपनी सिम के थ्रू कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो फिर आपको एपीएन डालना होगा जो कि मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ है, क्योंकि अभी हम पीटीसीएल यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर एपीएन नहीं होता, बल्कि इसके अंदर यूजर पासवर्ड होता है और इसका यूजर पासवर्ड भी फिक्स है, eWireless@ptcl.com और इसका पासवर्ड होता है पीटीसीएल, बाकी किसी सेटिंग को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी ये जो हमारे पास पीटीसीएल की यूएसबी या नेट्रो है मेरे पास, इसको हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स देती है। सॉरी दोस्तों मैं कह रही हूँ, तो ये थोड़ा सा हाथ मार टेढ़े हो रहे हैं, ये यही हमने प्लग इन कर दी और अभी आप देखिएगा कि ये यूएसबी के अपनी प्लग इन होने के बाद जो है ये इसने इसको करंट देना शुरू कर दिया, डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इस वक्त रेड लाइट है और अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो ये चेंज होके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ इसकी देखिए आप, ये ग्रीन लाइट देनी शुरू कर दी है, ब्लिंकिंग हो रही है और इसका मतलब ये हो रहा है कि इसने इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए इसने रेड लाइट दे दिया, इसका मतलब ये कि मेरी बैटरी इस वक्त ठीक ठाक लो हो चुकी है और मुझे फोरी तौर पर जो है उसको बैकअप देना पड़ेगा। और मैं क्या किया कि मैंने अपने लैपटॉप के साथ इस केबल को जोड़ा और फोरी तौर पर मैं क्या करूंगा कि इसको इसमें प्लग इन कर दूंगा मैं, ताकि ये साथ साथ चार्ज भी होता रहे। ये लीजिए हमने प्लग इन कर दिया ऐसे, और अभी आप देख रहे होंगे कि लाइट में थोड़ा सा चेंज आ गया है, वो ये ऑरेंज टाइप की हो गई है। अच्छा दूसरे अभी आपको मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमने इसमें यूएसबी डाल दी थी और यूएसबी में आने के बाद आप देख रहे होंगे इंटरनेट की ये जो लास्ट ब्लिंकिंग है, ये इंटरनेट की आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी कि मैं लॉग इन होना शुरू किया हूँ डिफरेंट आईडीज के ऊपर, तो इसने वाईफाई की ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी है। इसमें इंटरनली हम देखते हैं कि अंदर से क्या हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम कनेक्टेड हैं। मैंने इसके स्टेटस पे क्लिक किया है और ये अभी मुझे इसकी डिटेल देगा और मुझे बताएगा कि ये आप देख रहे होंगे कि ये 3G आइडेंटिफायर है 100% और इसकी IP वगैरह वगैरह और कनेक्टेड है ये, और इसने जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दिया है, ये सब प्रॉपर वाईफाई है, बहुत लंबी रेंज नहीं है इसकी, लेकिन मुनासिब रेंज है एक घर के लिए, काफ़ी है। 150 Mbps डेटा ट्रांसफर है इसमें, विच इज क्वाइट गुड, कि पाकिस्तान तो 150 Mbps जब आएगा तब आएगा, लेकिन खैर अपनी जगह पे अच्छी वाइज है। एक नई चीज थी मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, और इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको गाड़ी में भी साथ रख के ले जाया जा सकता है और घर पे भी आप एक वाईफाई बना सकते हैं वगैरह वगैरह, बाकी उसके फायदे नुकसान सब आप जानते होंगे। होटल्स में भी फायदेमंद है, खासतौर पर जब हम किसी दूसरी कंट्री ट्रेवल करके जाते हैं तो वहाँ आमतौर पर होटल रूम के अंदर सिंगल कनेक्शन दिया जाता है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक जो आम केबल होती है इंटरनेट की उसको आपने इसके यहाँ प्लग इन कर देना है और ये ऑटोमेटिकली उसको रिटेक्ट करेगा, उसको उसका वाईफाई बना देगा, सो आप अपने मोबाइल अपना लैपटॉप वगैरह एक वक्त में मुख्तलिफ आप डिवाइसेज उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों 3G 4G बैटरी पावर वायरलेस एंड राउटर मॉडल नंबर TLMR3040 का एक छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर इस मुनाजत से किसी और हेल्प की आपको जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे लिख सकते हैं। मैं इसके साथ ही अपना रिव्यू खत्म करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी और नई डिवाइस नए रिव्यू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।